हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी किचन में। चॉकलेट चॉकलेट खाना किसे नहीं पसंद है। अक्सर हम घर में डेजर्ट बनाते हैं तो उसमें चॉको चिप्स डार्क कंपाउंड चॉकलेट से बनाते हैं, पर आज हम बना रहे हैं इंग्लिश के इंग्रेडिएंट से। इसे बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ एक बाउल में मैंने पहले छन्नी रखी है, उसमें हम मिल्क पाउडर यूज करेंगे। मैंने 6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है यहाँ पर, साथ में ये आइसिंग शुगर है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ले रही हूँ। इसे हम छान लेंगे अच्छे से। इन्हीं दो चीज़ों से हम बिल्कुल मार्केट जैसे चॉको चिप्स बनाएंगे। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज किया है। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी डाला है और उसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये मिक्स होगा तो घोल अपने आप थोड़ा सा लिक्विड रूप में आ जाएगा, तो इसलिए हमें एक साथ पानी नहीं डालना है वरना हमारा पतला हो जाएगा। ये देखिए मिक्स होने लगा है, ये देखिए क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब मैं यहाँ पर 3 रंग में बना रही हूँ, तो मैंने 3 कटोरियों में डिवाइड कर लिया है मिक्सचर को। मैं कलरफुल बना रही हूँ चॉको चिप्स, तो एक बॉल में मैंने रेड फूड कलर की 2 ड्रॉप डाली है, दूसरे में 1 ड्रॉप ब्लू कलर की और 1 ड्रॉप रेड कलर की। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चॉको चिप्स बनाना बहुत ही आसान है और किसी भी चीज़ में आप डेकोरेट कर सकते हैं, कुकीज हो, केक हो, डिजर्ट हो, कोई भी चीज़ हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बगल में लगे बेल आइकन के बटन लगाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। यहाँ पर मैं पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिछली बार मैंने व्हाइट चॉको चिप्स बनाए थे, उसमें मैंने दूध के पैकेट का इस्तेमाल किया था, तो आप जो भी अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग में मैं अपना पेस्ट डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें अपने तीनों बैग तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है बनाना। फेस्टिवल का टाइम भी है और हम तरह तरह के घर में गेस्ट के लिए डिजर्ट बनाते हैं, तो आप भी इस तरह की चॉको चिप्स अपने डिजर्ट में डेकोरेट करने के लिए बना सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। ये मैंने तीनों बैग अपने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने ट्रे में बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, जिससे आसानी से हमारे चॉको चिप्स निकल जाए। मैंने साइड से सेलो टेप लगा दिया जिससे ये निकले नहीं, और कोन को साइड से थोड़ा सा कट कर दिया है। अब मैं इस तरह से ड्रॉप डालूंगी ट्रे पर, और इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल ड्रॉप भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं हार्ट शेप में चॉको चिप्स बना रही हूँ, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाने में देखिए बिल्कुल ही आसान है। तो आप भी इस तरह से चॉको चिप्स अपने बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से भी हार्ट शेप में बना ले रही हूँ अपने चिप्स। इसी तरह से हम सारे चॉको चिप्स अपने तैयार कर लेंगे। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो उस डिज़ाइन में अपने चिप्स बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स के आकार में मैं चॉको चिप्स बना रही हूँ। अब यहाँ मैंने 2 कलर में चॉको चिप्स बनाने हैं, तो मैंने वाइट में दूसरे कलर का पेस्ट मिला दिया है और इसे अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे चॉको चिप्स हमारे 2 रंग के तैयार होंगे। ये इस तरह से हम 2 कलर में ड्रॉप रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से सूखने के बाद इन्हें हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते। इन्हें हम धूप में 6 to 8 आवर्स तक रखेंगे और सूखने के बाद ये बहुत जल्दी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये हमारे सूख गए हैं,
अब इसे हम देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। आप नाइफ या स्पून से उल्टा करके निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। बस इन्हें अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए, अगर गीले होंगे अंदर से सूखे नहीं होंगे तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा हार्ट शेप आया है। आप इस तरह से चोको चिप्स बनाइए और अपने डिजर्ट में इसका इस्तेमाल करिए। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, हमारे सूखकर तैयार हो गए हैं चोको चिप्स। है ना कितना आसान, बिल्कुल बाजार जैसे चोको चिप्स बनाना घर पर, वो भी 2 इंग्रेडिएंट से, ओनली 10 रुपीज़ पर हमारे ढेरों चोको चिप्स बनकर तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी में। बाय बाय।